Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So, काफी सारे comments मुझे मिल रहे थे about the theory subjects. तो theory subjects के videos भी आपको चाहिए, theory subjects के लिए भी आपको revisionary sessions चाहिए. तो जैसे मैंने आपको financial accounting और cost accounting के last minute revision related videos provide किए थे, काफी सारे बच्चों के मुझे comments आए थे और जिस तरीके से हमने discuss किया था उसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एंड काफी सारी चीजें हमने रिवाइज भी की है. तो दिस सेशन विल बी स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स और काफी सारे मुझे कमेंट्स जो मिल रहे थे उसमें इकोनॉमिक्स पे लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस लाइए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हम लास्ट मोमेंट में कौन से ऐसे चैप्टर्स पे फोकस करें, क्या क्वेश्चंस पे फोकस करें, ऐसे कुछ रिविजनरी पार्ट्स हमारे लिए बनाइए. ऐसे मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं तो मैंने आप सभी के कमेंट्स पर्सनली पढ़ के मैंने ये सेशन आपके लिए ला रहा हूं. बट दिस स्पेसिफिकली सेशन जो आपके लिए होने वाला है फॉर इकोनॉमिक्स, दिस विल बी नॉट प्रोवाइडेड बाय मी बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है. तो मैंने सोचा क्यों ना आप इस चैनल के साथ इतना एसोसिएटेड हुए हैं तो आपके लिए कोई एक्सपर्ट को बुलाए और वो जो एक्सपर्ट है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को हम लेके आएंगे और उसी बेसिस पे वो स्पेसिफिकली पर्सन आपको गाइड करेगा. तो काफी अच्छा रहेगा कि लास्ट मोमेंट में कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है. तो आज का जो सेशन होने वाला है वो एक सीरीज मैंने शुरू किया है, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स एज लास्ट मिनट रिविजन विद आरएसएम. तो ये पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. मैंने जो एक्सपर्ट आपके लिए आज लाया है इकोनॉमिक्स फील्ड से है और उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है. मैडम को 18 से 19 ईयर का अभी फिलहाल एक्सपीरियंस है एंड मैम काफी ज्यादा आपको इस फील्ड से रिलेटेड, ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड गाइड करेंगे. कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और एक ओवरऑल मैम आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन भी करवाने वाले हैं. तो अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को जितना आप शेयर कर सके शेयर करें बिकॉज इकोनॉमिक सब्जेक्ट काफी बच्चों को डिफिकल्ट जाता है एंड उससे रिलेटेड जो भी रिवीजन होने वाला है वो आपको इजीली समझ में आना चाहिए. तो आज के जो हमारे गेस्ट है, आज के जो हमारे एक्सपर्ट है जिनको मैंने चैनल पे बुलाया है, उनका नाम है प्रोफेसर जसबीर कौर मैडम. तो जसबीर कौर मैडम हमारे साथ अवेलेबल है. तो ये जो मैम है ये मैम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड का, वो 18 ईयर से इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं एंड उसके बेसिस पे आपको आज गाइड करेंगे कि ओवरऑल आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आप ध्यान से पढ़ के गए तो आपको पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हम यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमेशा पेपर में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन मैम आपको करके देंगे. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मैम को वेलकम करता हूँ और हम चलते हैं सीधा मैम के पास और वहां पे फिर आप पढ़ लेना एग्जैक्टली कि क्या क्या चीजें मैम बताते हैं. एक बुक लेके बैठना ताकि आपको सारी चीजें नोट डाउन करके रखनी है और उसी तरीके से जैसे मैडम आपको गाइडेंस करेंगे उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है. तो चलते हैं सीधा मैम के पास. थैंक यू राहुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडरिंग मी एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड सेकेंडली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द स्टूडेंट हु आर इन लार्ज नंबर इन कॉन्टेक्ट विद यू और मेरा स्टूडेंट से थोड़ा इंटरेक्ट कम रहता है. जैसा आपने बोला है कि एग्जाम से पहले, आपके तो चैनल का नाम ही है लास्ट मिनट रिवीजन, तो लास्ट मिनट रिवीजन में क्या करना चाहिए इकोनॉमिक्स जैसे वास्ट सब्जेक्ट के अंदर. तो जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं, जो नहीं भी करते, जिन्होंने क्लासेस पहले अटेंड की थी, जिन्होंने की हैं उनको मालूम है मैंने उनको क्या क्या बताया हुआ है, लेकिन ये शायद उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं. तो सबसे पहले एक मैसेज है छोटा सा सबके लिए कि इकोनॉमिक्स को जिसको आप ऐसा कंसिडर करते हो कि ओ माई गॉड ये तो हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा, पता नहीं क्यों पढ़ाने के लिए दे दिया ये सब्जेक्ट, कि जब आप उठते हो तो इकोनॉमिक्स के साथ उठते हो और जब आप सो जाते हो ना
तो भी इकोनॉमिक्स चलती रहती है, इकोनॉमिक्स बंद नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो कमिंग टू द पॉइंट, टू बी प्रिसाइज, के आपके चार मॉड्यूल हैं, सबको पता है, पेपर पैटर्न भी सबको पता है, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, पूरी बुक में से आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपके मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आएंगे ऑप्शंस के साथ। तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपको तीन थ्योरीज बताई हुई हैं। आपकी मनन की बुक के अंदर उन्होंने डिटेल्ड एडम स्मिथ नहीं दिया, लेकिन वो आपके पोर्शन में हैं। ए से ए याद रखना, थ्योरी का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, एडम स्मिथ ए, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसके बाद आपको जो थ्योरी दी हुई है वो रिकार्डो की दी हुई है, रिकार्डो के आर से याद रखना, कंपैरेटिव, तो आर उसमें आएगा, रिकार्डो का आर उसमें याद रखना, कंपैरेटिव कॉस्ट, कॉस्ट एडवांटेज जो उसकी थ्योरी है। फिर आपको मिलाकर ये तीनों थ्योरीज के जो हैं आप इनके जो एजम्पशंस रहते हैं वो आप अच्छे से पढ़ लो। अगर उसमें कोई भी एजम्पशंस आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे दो, पिछली एजम्पशंस के साथ जो नेक्स्ट थ्योरी है वो उनकी एडिशन है, यानी कि वो थ्योरीज जो एजम्पशन आपको पहले पता हैं उनमें ऐड करके उनको थोड़ा इम्प्रूव करके नई थ्योरी बनी है। तो ये तीनों थ्योरी की एजम्पशंस अगर आपको पता है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी वो एक थ्योरी इसमें पूछ लेते हैं। फिर इसमें आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है इनका, जो है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ट्रेड तो ट्रेड है, चाहे वो हम इंडिया का कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने लोकल जहाँ पर भी रह रहे हैं जिस स्टेट में वो कर रहे हैं, या हम फॉरेन से कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मेजर तो ये है, करेंसी डिफरेंस आ जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का आ जाता है, फिर माइग्रेशन का आ जाता है, ये सब डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन एक जो हम डिफरेंस है कि जब हम फॉर जिस चीज की मोनोपोली हमारी डोमेस्टिक कंट्री में होती है, जब हम फॉरेन कंट्री में ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पे जाते हैं, तब उस कंट्री के साथ बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी जुड़ जाती हैं, यानी कि जो अपनी कंट्री में मोनोपोली होती है वो जब हम ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन बन जाता है वहाँ पर। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि हमको कुछ गेन हो रहा है बावजूद इसके कि हम कॉम्पिटिशन में हैं, उसके बावजूद वी आर गेनिंग, दैट्स वाई वी आर इन दिस इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दैट्स वाई द थ्योरी इज सेपरेट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, जो भी ट्रेड की थ्योरी रहती है। तो इसमें गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड अप कर ले कि क्या क्या गेन्स होते हैं, अभी सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि क्या क्या, क्योंकि इसके लिए पूरा 50 मिनट्स का लेक्चर लग जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड मॉड्यूल शुरू होता है जिसमें कि कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी आप लोगों को बताई गई है, कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी है, उसमें टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ये भी आपके पहले मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस लगा देते हैं एक तरह से, उनको हम बोल देते हैं टैरिफ बैरियर, और कभी कोटा क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि इतनी ही क्वांटिटी हमको मंगवानी है, इतनी ही क्वांटिटी हमको एक्सपोर्ट करनी है, तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आते हैं, जिनको पढ़ना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि मैं ऐसे ओवरऑल बोलूंगी और आपको लर्न हो जाएगा, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता चलेगा, बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये मेजर मेजर जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो। इसके बाद इसमें आ जाती हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं उनके फॉर्मूलाज हैं, जैसे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, इनके रेशियोज हैं, अगर ये तो एक सीधी सी बात है कि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे इंपोर्ट से तो ऑब्वियसली हमको फ़ायदा होगा, और इसका उल्टा होगा, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे अपने एक्सपोर्ट से तो हमारी कंट्री को पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनके हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो गड़बड़ होगा। तो एक ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के जितने भी फॉर्मूलाज हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिक इंपोर्ट के, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, वो सब आप रट लो, लिख लिख कर उनको रट लो, ऐसे ओरल बुक में बैठकर टीवी देखते हुए करोगे तो याद नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, दो चार बार भी लिख दिया ना तो लर्न हो जाएगा, ओके। इसके बाद तीसरा आपको दिया हुआ, हाँ इसके अंदर फिर आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी दी हुई है, उनके भी थोड़े थोड़े से पॉइंट कर लो। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि कंट्रीज जो है वो ग्रुप बनाती हैं, कुछ कंट्रीज मिलकर ग्रुप बना लेती हैं, वो ग्रुप बनाने का मतलब होता है कि
इकोनॉमिक फायदा पहुंचाने के लिए वो जो कंट्रीज जो उसकी मेंबर होती हैं वो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं कि उनका आपस में जब वो ट्रेड करें तो फायदा, ठीक है। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपकी बुक में टेबल दिया रहता है वो टेबल लर्न कर लो। वो टेबल में आपको नंबर दिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर नीचे टोटल दिया होगा 1+2+3=this and 4+5+6=this। इतना कन्फ्यूजन मत करना, सीधी सी बात है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड करते हैं वो कुछ एक्सपोर्ट करते हैं कुछ इंपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर इंडिया में बैठकर कोई फॉरेन के किसी कंपनी का काम कर रहा है तो वो अपनी सर्विसेज अपनी कंट्री से बाहर दे रहा है, ठीक है। और अगर फॉरेन की कंट्री का कोई बंदा फॉरेन कंट्री में बैठ के हमें दे रहा है, इसका मतलब हम उस सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हो गया ट्रेड। इसके बाद आपकी आ जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी कंट्री से पैसा हमने बाहर इन्वेस्ट किया तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर गई, और अगर बाहर की कंट्री ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई। जो कैपिटल से रिलेटेड कोई भी अमाउंट कंट्री में आया वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर हमारी कंट्री से इन्वेस्टमेंट बाहर गई तो वो किस में जाएगी? ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद जितना भी ट्रेड है वो सब ऊपर, यानी कि जो ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो ऊपर जाएगा। इसमें आपको वो कभी कोई एंट्री भी पूछ सकते हैं, और कि ये एंट्री किधर जाएगी, कैपिटल में जाएगी कि ट्रेड अकाउंट में जाएगी। तो इतना सब तो आपको आप पता होना चाहिए, अकाउंट्स में बहुत अच्छा कर लेते हो आप लोग, कि कौन सा अमाउंट जो है वो कैपिटल में जाएगा और कौन सा जो ट्रेड हुआ है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है वो इसमें जाएगा, ट्रेड के अंदर जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें मैंने बताया बैलेंस, यानी कि हमने जितना इंपोर्ट किया उतना एक्सपोर्ट किया या उससे कम ज़्यादा किया। ऑब्वियसली अगर कम ज़्यादा किया है तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो जो वो बैलेंस नहीं होगा उसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हमको देना ही बढ़ता जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि हमने लेना ज्यादा है, हमारा देना ही बढ़ता जा रहा है, इसके रीजंस। तो ये रीजंस जो हैं अपनी बुक में देख लो, अच्छे से क्लियरली दिए हुए हैं, मनन की बुक में भी दिए हुए हैं, शेत की बुक में भी दिए हैं, और अगर आप किसी ट्यूशन क्लास में जाते हो तो उसकी बुक में भी दिए रहेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब ये मत मेरे गले पड़ जाना कि मैडम ये क्वेश्चन तो आया नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंस दी हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो अभी तक इम्पोर्टेंट था और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते रहे हैं, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। पढ़ना और मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के हाथ में है। हाँ, जिन बच्चों को केटी से डर लगता है वो इतना करेंगे तो उनकी केटी तो नहीं लगेगी, ये बात गारंटीड है। इसके बाद WTO आ जाएगा आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब बना था, इसकी डेट मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग देखो ये कब बना था, चेंज होकर क्या बना, कितने मेंबर थे जब ये बना था और कितने मेंबर आज की तारीख में हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, इसके अगर दो कंट्री के झगड़े हो जाते हैं तो उनको निपटाने कौन जाता है और झगड़े के कारण क्या हो सकते हैं, या इनमें सब्सिडीज एक मेजर इशू रह जाता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज हो गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाएं। और अगर नहीं आएगा तो भी आप राहुल सर को बता दें तो हम फटाफट एक दूसरा लेक्चर भी तैयार कर देंगे, कि चलो एक दूसरा लेक्चर तैयार कर देते हैं जिसमें जो जो प्रॉब्लम बच्चे चाह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही हैं टर्म्स, तो फिर हम उनको बता देंगे। इसके बाद आपका लास्ट मॉड्यूल आ जाता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या? ऑब्वियसली जैसा नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर करेंसीज हम एक्सचेंज करते हैं, जब ट्रेड कर रहे हैं तो जिस दूसरी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो करेंसी, उस कंट्री की करेंसी कुछ दूसरी है, और अगर हमने भी इम्पोर्ट किया है तो हमें भी रुपीज में पेमेंट नहीं करनी है, हमें भी उसको उस कंट्री में पेमेंट करनी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसी कौन सी होती है? डॉलर। तो जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज हैं वो किस में डील करती हैं? फिर डॉलर्स में। इसलिए डॉलर्स जब हम डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं कि डॉलर मजबूत हुआ या डॉलर कमज़ोर हुआ हमारी कंट्री, इसलिए हम उसे रुपीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में जिस जिस कंट्री के साथ जब भी डॉलर के ऊपर कुछ असर होता है तो बाकी कंट्री की करेंसीज पर भी थोड़ा उसका असर होता है।
ठीक है, वो उनकी कंट्री की इंटरनल सिचुएशन के ऊपर, इंटरनल पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री की पॉलिसीज को कितना संभाला है कितना नहीं। फिर ये रेट कैसे डिटरमाइन होता है, सप्लाई और डिमांड से। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडेड करेंसी है डॉलर, तो अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका रेट ज़्यादा जाएगा। जो सिंपल मार्केटिंग का अपना इकोनॉमिक्स का रूल रहता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, उसका रेट जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर आपका आ जाता है थर्ड चैप्टर, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है परचेज करना इक्वल रेट के अंदर, वेयर एवर यू आर, इन विच कंट्री यू आर लिविंग। परचेजिंग की जो पावर है, यानी कि दैट मनी द करेंसी, करेंसी इटसेल्फ उसकी पेपर वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर हम उसकी पेपर वैल्यू कहीं पर लेकर जाएं, पेपर वैल्यू नहीं है, उसकी फेस वैल्यू है जो उसके ऊपर लिखा हुआ अमाउंट है, और जो गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती है कि आई पे द बेरर टू पे दिस, आई विल पे द बेरर दिस अमाउंट, जो भी समझो अपना यहाँ पर रुपीज़ है, 100 है, 200 है, 500, 2000, जो भी उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो वो जो वैल्यू है, अब समझो हमारे यहाँ पर डे कोई कमा रहा है 80 रुपीज़, ये एग्जाम्पल है, पर डे 80 रुपीज़ कोई कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 80 कमा रहे हैं सब। से अ पर्सन इज अर्निंग रुपीज़ 80 इन इंडिया, और कोई अमेरिका में कमा रहा है $1 अ डे, ठीक है। अब अगर ब्रेड का रेट है $1 इन अमेरिका, तो उसने एक दिन में $1 कमाया और रात को उसने उसकी ब्रेड खरीद ली, ठीक है। अब अगर इंडिया में उस दिन समझो डॉलर का रेट, एक्सचेंज रेट चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो वो 80 रुपीज, अगर वो 80 रुपीज लेकर अमेरिका जाता है, वहां पर एक्सचेंज करता है, तो उसको मिलेगा $1, और वो $1 से वो ब्रेड खरीदेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 80 रुपए और 1 रुपया इंडिया के हिसाब से ब्रेड जो है वो 80 रुपए की है, वो 80 रुपए की ब्रेड जो है अमेरिका में उसका जो एक्सचेंज रेट है वो $1 है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, जो परचेज करने की पावर है वो इक्वल हुई। इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट चैप्टर, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है आप सबको पता ही है, तो इसका मेजर रोल क्या रहता है, एक तो ये फॉरेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी कंट्री की मनी सप्लाई को भी इनका इफेक्ट रहता है, कब पैसा ज़्यादा छोड़ना है मार्केट में, कब पैसा कम छोड़ना है, तो अपनी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी को जब ये कंट्रोल करते हैं तो उसमें ये लोग ये भी ध्यान रखते हैं टाइटनिंग पॉलिसी करनी है कि थोड़ा लूज रखना है, इससे क्या अपनी करेंसी जो है कब उसको डीवैल्यू करना है, उससे क्या असर पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है हम लोग कर रहे हैं तो वो तो ठीक है कि इंडिया के फेवर में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन लोगों को इंपोर्ट महंगा पड़ने लग जाए। इंपोर्ट महंगा पड़ेगा तो वो लोग थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएंगे, या ऐसी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर देंगे जिनके बिना भी गुजारा हो रहा है, जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि उनको वो लोग खरीदें। तो इसके साथ आप लोगों का ये सिर्फ इतना इतना है, जिन स्टूडेंट्स ने कभी बुक को भी हाथ नहीं लगाया और कभी लेक्चर भी अटेंड नहीं किए, दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स को स्कोर करना है, ऑब्वियसली वो पढ़ भी रहे होंगे, फिर भी आप लोग राहुल सर को बोल सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है, ये टॉपिक मैडम से बोलो, हमको रिपीट करवा देंगे। और एक बात यहाँ पर कि सर ने कहा है कि सर ये सीरीज़ बना रहे हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ, लेकिन आई स्टिल बिलीव देर इज़ लॉट टू लर्न। इकोनॉमिक्स में ऐसा मैं बोल ही नहीं सकती कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो कहीं पर कुछ मैंने गलत भी बोल दिया हो सकता है, क्योंकि बिना तैयारी के बैठी थी पढ़ाने के लिए, मतलब लेक्चर रेडी करने के लिए, तो कहीं पर भी कुछ आपको लगा हो कि मैंने मिस्टेक की है तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि मैडम आपने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, तो मैं भी इसको करेक्ट कर दूँगी और मुझे भी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।
सो मैम ने काफी अच्छी तरीके से आपको गाइडेंस दिया। आई होप कि मैम ने जितनी सारी चीजें आपको बताई है वो सारी चीजें आपको समझ में आई है, आपने सारी चीजों को नोट डाउन करके रखा है, सारी चीजों के ऊपर फोकस करें। मैम ने जैसे आपको गाइड किया है उसी तरीके से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें, ताकि एक ओवरऑल जो आपको एक डर है आपके दिमाग में या माइंड में, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों के मन में डर होता है, वो सभी डर आपका चला गया होगा। और इस तरीके से आप अगर इस पे फोकस करोगे तो काफी अच्छा बेनिफिट आपको इस लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस से मिलते रहेगा। तो आपको ये सेशन कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसी तरीके के अगले सब्जेक्ट से रिलेटेड सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट अगले सेशंस भी मैं आपको एक्सपर्ट्स के प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।